दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों किसी भी देश के व्यक्ति के लिए या फिर नागरिक जो रहते हैं उस देश में, उस लोगों के बीच में सभी लोगों को पता होना चाहिए अपने फंडामेंटल राइट्स के बारे में, पता होना चाहिए अपने संविधान के बारे में, पता होना चाहिए अपने कानून के बारे में। अगर आपको कानून का ज्ञान नहीं है या फिर आपको कानून की नॉलेज नहीं है तो आप कई तरह की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं और उन प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा जो प्रॉब्लम है ही नहीं। और यह सिर्फ हो पाता है इसीलिए क्योंकि आपको कानून की नॉलेज का अभाव है या फिर आप अपने कानून या संविधान को नहीं जानते हैं। जैसा मैंने आप सभी को बताया कि हम पूरी एक सीरीज लेकर आएंगे देश के संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर उससे पहले कई चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि अपना सीआरपीसी और अपना आईपीसी के बारे में, द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर जो 1973 और इंडियन पिनल कोड जिसको आईपीसी बोलते हैं 1860। उससे पहले मैं आपको आज अपनी इस वीडियो में बताना चाहता हूं कि बिलेबल और नॉन बिलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं, मतलब कि जमानती अपराध और गैर जमानती अपराध। अक्सर ऐसा देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जब कोई अपराध करता है या किसी भी तरह का एक अपराध हो जाता है उसके द्वारा, तो उसको पुलिस बिठाकर रखती है हमेशा पुलिस स्टेशन में, पूरे 24 घंटे का टाइम लगा देती है, उसके बाद भी उसको छोड़ती नहीं है जबकि वो एक जमानती अपराध था। तो मैं बताऊंगा आपको जमानती और गैर जमानती अपराध के बारे में आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। दोस्तों क्या है गैर जमानती और जमानती अपराध, इसके बारे में ज्यादा आपको जानकारी मिलती है सीआरपीसी के सेक्शन 2A में, जिसमें आप जान सकते हैं कि क्या होते हैं जमानती अपराध और क्या होते हैं गैर जमानती अपराध। मैं आपको बताना चाहूंगा बड़े ही शॉर्ट वर्ड्स में इसको कि जो जमानती अपराध हैं ये वो अपराध हैं, अगर मान लीजिए कोई अपराध हो गया आपसे, आप थाने जाते हैं तो थाने से ही आपको बेल मिल जाती है और आप वहां से फ्री होकर अपने घर आ जाते हैं। और गैर जमानती वो अपराध है कि अगर पुलिस आपको अरेस्ट करती है तो अरेस्ट करने के बाद में 24 घंटे के अंदर पुलिस आपको मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश करेगी, मजिस्ट्रेट साहब आपको बताएंगे कि आप जेल भेजा जाएगा या फिर पुलिस कस्टडी दी जाएगी। पुलिस कस्टडी जिसको दी जाती है उसको बोलते हैं रिमांड। दोस्तों रिमांड के बारे में एक पूरी मैं इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा, तो रिमांड के बारे में आपको पूरा उसके अंदर बताऊंगा रिमांड क्या होता है। रिमांड का मतलब ये नहीं कि किसी भी व्यक्ति को मारा पीटा जाता है, पूछा जाता है, उसके अंदर एक इन्वेस्टिगेशन होती है, पूछताछ होती है रिमांड के अंदर, वही पूरा रिमांड का मतलब है। अब बात करते हैं जमानती और गैर जमानती अपराध के बारे में थोड़ा आगे चलने की। दोस्तों अपराध किस तरह के, जैसे मान लीजिए रेप हुआ, मर्डर है या डकैती कहीं हो गई, लूट कहीं पर हो गई या पॉक्सो हो गया, छोटे बच्चों से जो गलत कुकर्म लोग करते हैं, ये सभी जितने भी एक ग्रीवियस टाइप के जो अपराध हैं ये सभी आते हैं गैर जमानती अपराध के मामले में, मतलब कि इसमें भी जमानत तो मिलती है। पर दोस्तों उससे पहले आप ये समझिए कि कोई भी व्यक्ति जिसको पुलिस अभी पकड़कर लाई है उसको आप अपराधी नहीं कह सकते, उसको आप कहोगे अभियुक्त या फिर कहोगे आरोपी, और इंग्लिश में कह सकते हो एक्यूज्ड। किसी भी व्यक्ति को जो एक्यूज्ड है, आरोपी है या अभियुक्त है, उसे अपराधी आप तब कह सकते हो जब किसी भी कोर्ट ने उसको कन्विक्ट कर दिया हो, सजा दे दी गई हो और मान लिया गया हो कि हाँ उसी ने वो अपराध किया है, तभी आप उसको अपराधी बोल सकते हो, तभी आप कह पाओगे कि वो गिल्टी था या नॉन गिल्टी था। बट उससे पहले आप उसे अभियुक्त कहिए या आरोपी कहिए या फिर उसे एक्यूज कहिए। मान लीजिए पुलिस किसी को पकड़कर ले आती है थाने में और लेकर आती है, उस पर सीवियर किस्म के जो चार्जेस लगाए गए हैं, अरेस्ट करने के बाद में अरेस्ट प्रॉपर एक मेमो बनता है, उस अरेस्ट किस तरह से करेगी पुलिस, क्या क्या उसके अंदर रूल रेगुलेशंस का बताया गया है, उन सब के बारे में एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको बता सकें। बट आप पहले यह समझ लीजिए कि अपराध क्या होता है। अपराध का मतलब होता है किसी भी तरह का ऐसा एक कृत्य कर देना जिसके अंदर की जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो रूल्स बताए गए हैं, कानून बताए गए हैं, उनको तोड़ना, आप उनको तोड़ते हो, उनकी अवहेलना करते हो, यही आ जाता है एक अपराध की श्रेणी में। अब बात करते हैं 24 घंटे के अंदर अंदर जब पुलिस उसको पेश करती है, मजिस्ट्रेट साहब या पुलिस कस्टडी भेजेंगे या उसको जेल भेजेंगे, वो गैर जमानती अपराध है। ऐसा नहीं कि इसके अंदर अपराध में जमानत नहीं मिलती, जमानत इसके अंदर भी मिलती है, बट वो मिलती है इन्वेस्टिगेशन होने के बाद, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए इन्वेस्टिगेशन चल रही है और उसके पास कोई भी उसके ऊपर प्रीवियस क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है या फिर ऐसा कोई खतरा नहीं है कि वो किसी भी सबूत को डिस्ट्रॉय कर सकता है या फिर टेम्परिंग कर सकता है किसी भी तरह की इन्वेस्टिगेशन में, तो उसको वहां बेल दे दी जाती है। या फिर जितने भी सीवियर तरह के क्राइम होते हैं 90 डेज में पुलिस को अपनी चार्जशीट लगानी होती है,
तो चार्जशीट लगाने के बाद वैसे भी किसी आरोपी का एक अधिकार बन जाता है बेल लेना। अब बात करते हैं जो जमानती अपराध है। दोस्तों, जमानती अपराध के अंदर बेल लेना यह आपका अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट आप इसको अपना बोल सकते हैं। आप इसको देखना चाहें तो आर्टिकल या अनुच्छेद 21 और 22 के अंदर आप देखते हैं, हमारे देश का जो संविधान है उसमें अगर आप देखेंगे तो आपका राइट बनता है बेल लेना। बट दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं है कि आपने कोई भी एक, मान लो आरोपी आप बन गए हो किसी भी केस में, आप जाते हो, यह किस तरह के अपराध है पहले आप इसको समझिए। मान लीजिए जुआ खेलना, किसी को धमकी देना, छोटी मोटी झड़प करना या फिर एक रेकलेस ड्राइविंग करना, मतलब किसी को हानि ना हो उसके अंदर, जो ये थोड़े जो अपराध हैं ये सब आते हैं जमानती अपराध की श्रेणी में। ये सब आते हैं जमानती अपराध की श्रेणी में, जो छोटे किस्म के जो क्राइम होते हैं और जिसके अंदर की आप बेल पहले थाने से ले लोगे, थाने से आप फ्री हो जाओगे। किसी से भी बेल करवानी है, कोई भी अपना एक जमानती आएगा, वो अपने गाड़ी की, बाइक की या किसी स्कूटर की आरसी दिखाएगा, अपने पेपर लगाएगा और आपकी जमानत करके ले जाएगा। उसके बाद जब ये केस का ट्रायल शुरू होगा फिर से आपको जाना होगा कोर्ट और वहां पर जाकर भी आपको एक बेल करानी होगी। तो दोस्तों, जो जमानती अपराध है वो थाने से बेल आप ले सकते हैं, उसमें आपका फंडामेंटल राइट इन्वॉल्व होता है। बट अगर हम बात करें गैर जमानती अपराधों की, उसके अंदर आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। जमानत देना या ना देना, वो जो मजिस्ट्रेट साहब हैं जिसके सामने आपको पेश किया गया है, वो उनकी एक सोच पर डिपेंड करता है, उनके विवेक पर डिपेंड करता है कि आपको बेल देंगे कि नहीं और कितने ज्यादा सीरियस क्राइम लगाए गए हैं आपके ऊपर, क्या चार्जेस लगाए गए हैं, उसमें बेल देनी चाहिए या नहीं, वो सब डिपेंड करता है विवेक पर मजिस्ट्रेट साहब के। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने थोड़ा आपको बताया कि क्या होते हैं जमानती अपराध और क्या होते हैं गैर जमानती अपराध, आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के क्वेश्चन हैं आपके दिल में, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं ताकि हम उस पर एक वीडियो बना सकें और बता सकें आपको कि कौन से अपराध जमानती हैं और कौन से अपराध गैर जमानती श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, अच्छा लगा हो आज का हमारा ये वीडियो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल एंड लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी वीडियो के साथ बने रहने के लिए।